राम जी, जब भी अपना कोई नए काम की शुरुआत कराया करा तो अपने घर के बड़े तक कराया करा, इसलिए मन्ने भी अपना कॉस्मेटोलॉजी वाला काम शुरू कराया मेरी दादी का एडवांस हाइड्रा फेशियल करके। तो मेरी दादी घनी है घबरा रही थी, बोली आए छोरी लोग मने के कहेंगे कि इस उम्र में तू यो के फेशियल करवाने लगी। माँ कोई बात को नहीं दादी, तने जिंदगी में कदे करा किए कौन देखा। मन्ने अपना एडवांस हाइड्रा फेशियल का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इसमें होया करे पहले डीप क्लिंजिंग, जिसमें आप जो स्किन की डेड सेल की लेयर होया करे उसने उतार दिया करा, रिमूव कराया करा। अगर किसी की स्किन बहुत बेजान लग गए है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं बचा, बिल्कुल ड्राई दिखे है, उसके साथ साथ अनहेल्दी डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो उन खातर एडवांस हाइड्रा फेशियल बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी माता श्री ने तो यो फेशियल करवा की जमा जी सा रहा था, बोली आए छोरी लाल लाल हैंडल रगड़े जब तो जमा मजा आवे। एडवांस हाइड्रा फेशियल पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाए। काला थोक दे लेके जार तो खतन बुरा तो काट ले। भाई दादी ने सोचा कि इस तो जमा बुरा मुंह लिकड़ा होगा, मखा ना माँ इस तो जो तेरी स्किन है वायल होगी उस पर ग्लो आएगा। सारी दुनिया देखे यो कराम दी, देख ले भैया भी शर्म की बात से शर्म के होती इसमें होने जमा बुढ़ी रांड के काम देख लो। मेरा दादा होंदा तो तेरी तारीफ कर रहा है, मुंह चमक गया। खेलते ना हमने दादी का यो प्रोसीजर पूरा कर दिया। तम देख सको दादी का मुंह जमा चमकन लाग रहा है, लाल लाल गलूरे दिखे है ना, कहीं माँ शीशे में देख के यार फिर पता किसा लाग तो सच्ची कच्चा काट दिया मुँह। शीशे में लाग लाग देखे नहीं जी। हमारी माता जी तो बहुत खुश थी इस फेशियल के बाद ही। हमने जाना था वापस कैथल, मम्मी ने बोली न्यू करियो दो दो पराठे खा के चले जाइयो। मम्मी ने बना दिए अपने हाथ के स्पेशल पराठे और गल्ले चाय। पहले तो हमने करी अपनी पेट पूजा और फिर था हमारा चालन का टाइम। मम्मी ने पहले मोहित का टीका करे यार, फिर हुई हमारी दिहाड़ी। भाई जी सा आ जाए कोई न्यू रुपये दे दे। जब तो कैथल जान का नाम का भी जाडा चढ़ रहा है क्योंकि कपड़े धोने हैं जानी और कई दिन का टूर आज फाइनली हमारा खत्म हो जाएगा। तड़के तो वाह अपनी रेगुलर रूटीन की लाइफ। मम्मी चाल तो ना बर्फ में अंडा ले आऊं मत को अंडों फजूली तार डाल फ्रिजन मेरी बर्फ से। आज ये हमारी माता श्रीया पे तो ये डायलॉग है, अगर मैं कहूँ थी मम्मी चाल हंडा ले आऊं बर्फ में तो देख लो के जवाब दिया है मेरे थी। पापा थी भी हमने कर दी टाटा बाय बाय। मम्मी ने हमारी गाड़ी के टायर अब गिर दिया पानी, बोली लिकड़ो इफ जल्दी पहुंचो कैथल वार होने लग रही है, कदे घर न चले जाओ, उड़े तो जब उल्टे आवा ना हमेशा जी दुखी हो है, या शायद जिंदगी भर यो जो जी दुखी होना है यो न्यू चलता रहेगा। जिस तरह हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े मौसम ने एकदम तो पलटी मार दी, बयानी में तो जमा धूप निकल रही थी, आड़ा आंदी है जमा काली बोली रात हो आई है, बादल चढ़े आ गए, मखा कसूता आराम बरसागा रास्ते में। हमारा पुची मस्त सुत्या पड़ा था नीचे, थोड़ा सा इसने भी नाड़ काट की देखी है कि मौसम में भी जायजा ले आऊं के कुछ मौसम चल रहा है। हमारी गाड़ी ने भी लाल बत्ती दिखा दी थी कि भाई मन ने भी थोड़ा तेल पानी की जरूरत है, रास्ते में पेट्रोल पंप आवे है उड़ा हमने तेल गलवाया और दोबारा तो एक्सप्रेस वे पर चढ़ लिया। जो काले बादल आए थे ना एकदम तब न्यू चले गए सारे के सारे, ऊपर के उतर गए, एक भी बूंद नहीं पड़ी। हम पहुंच जा वहां कैथल और पहले पहुंचा हाँ हम बाबा और का घर ने, इन छोड़ के वहां इनका सामान उतरवा के ना वहां, तो मखा पुची ने थोड़ी बहुत भूख लाग रही होगी क्योंकि इसने सुबह खाया था घना मुड्डी है यो, इसका जी नहीं करे इतने यो जमा नहीं खांदा। मोहित ने इसका तरह को ऑमलेट बनाई। दूसरी साइड मैंने लगा दी थी अपनी मशीनी, जो ये टूर के कपड़े हैं ये इतने दिन में धोएंगे, 15 दिन का टूर था हमारा और 15 दिन में ये कपड़े धोएंगे। तो चलो जी आज का दिन आड़े खत्म होया, जयराम जी की कल मिलते हैं।